बच्चों स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये आपकी मैथमेटिक्स की बेटा थर्ड क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 135135 और जो हमारी डेट है वो है 18 दिसंबर 2020। इसमें भी आज हम क्या है मेजरिंग यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स हम पढ़ते हैं कि आओ छोटी छोटी चीज़ों को नापें। आपकी तरह काजल ने भी नापदंडी के हिस्से करके उसका इस्तेमाल अलग अलग चीज़ें नापने के लिए किया। काम करने के बाद उसने अपनी टीचर का मैसेज भेज कर बताया कि उससे यह काम करने बहुत मज़ा आया। प्यारे बच्चों क्या आपको भी मज़ा आया? काजल ने इस मापदंडी से छोटी छोटी चीज़ें भी नापी, जैसे पेंसिल हो गया, जैसे आप पेंसिल दे रखी है इसने ये भी नाप लिया। तो बच्चों सामने दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि काजल ने पेंसिल को किस तरह नापा। देखो पेंसिल की लंबाई कितनी, 6 प्यार, देखो 1 2 3 4 5 6, ये क्या कौन सी लाइन पे आ रही है, 6 पे, तो क्या है 6 छोटे हिस्से। आप भी इस तरीके से नीचे दी गई वस्तुओं को नापते हैं, तो हम भी चलो नापना शुरू करते हैं। ठीक है, पेंसिल की लंबाई कितनी जब उसे नापी तो 6 छोटे हिस्से। ठीक है, रबर जब मैंने भी ये मापदंडी बनाई तो मैंने भी जब नापे तो मेरे जो रबर थी वो कितनी आई, 2 छोटे हिस्से। क्योंकि रबर हो सकता है आपके घर में छोटी हो, लेकिन मेरे घर में छोटी थी इसलिए मैं अपनी बता रही। तो आप क्या जो भी आपके पास है वो उससे आप नाप के देखो कि आपकी कितनी आती है। ठीक है, हाथ की एक छोटी उंगली, जब मेरे हाथ की छोटी उंगली, जो छोटी उंगली है मेरी हाथ की, वो मेरे 3 छोटे हिस्से आए, 3 छोटे हिस्से आए। ठीक है, हाथ की बड़ी उंगली, जो हाथ की बड़ी उंगली थी मेरी, वो मेरी क्या है, 4 छोटे हिस्से आए। ठीक है, जो मोम का क्रियोन्स था वो 5 छोटे हिस्से आए। रिमोट का सेल, अब रिमोट का जो सेल होता है वो छोटा ही होता है, वो उसमें मेरे 3 छोटे हिस्से आए। भाई चाबी, अब अच्छा चाबी बड़ी भी हो सकती है, चाबी छोटी भी हो सकती है, लेकिन जो मेरे घर में चाबी अवेलेबल थी वो कितनी थी, वो थी 6 छोटे हिस्से आए मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मैंने लगा दिया कितने, 2 छोटे हिस्से, फिर 3। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैंने करा। आप भी क्या है इस तरीके से अपना नापना और करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे कि आपकी सबसे बड़ी उंगली और सबसे छोटी उंगली की लंबाई में कितना अंतर है। जो मेरी छोटी उंगली थी उसकी लंबाई कितनी थी मेरी, उसकी कितनी थी मेरी, 3 थी। ठीक है, और मेरी हाथ की सबसे बड़ी उंगली की लंबाई कितनी थी, 4। तो कितनी थी, 4 में से 1, 3 माइनस क्या, 1। 1 का अंतर था, आपकी सबसे बड़ी उंगली और सबसे छोटी उंगली की लंबाई में कितना अंतर था, 1 छोटे हिस्से का। कितने अंतर का, 1 छोटे हिस्से का। ठीक है, आप ये लिख देंगे कितने का, 1 छोटे हिस्से का। आप भी अपनी नाप के देखना आपके कितने अंतर आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि ऊपर दी गई तालिका में वस्तु में सबसे लंबी वस्तु कौन सी थी। तो सबसे लंबी वस्तु कौन सी थी, चाबी, क्योंकि मेरी चाबी मेरे घर में जो थी वो बड़ी थी। कितनी थी, चाबी मेरी क्या है, चाबी। ठीक है, हमने कह दिया चाबी। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर कि ऊपर दी गई तालिका में वस्तु में सबसे छोटी वस्तु कौन सी थी, रबर। कितनी थी, 2। हम क्या लिख देंगे, रबर लिख दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि आपके घर में सबसे छोटी वस्तु कौन सी है, उसका चित्र बनाइए और आप उसकी लंबाई नापदंडी की मदद से नापिए। कि जो मेरे घर में बच्चों सबसे छोटा था वो था मेरी मम्मी की बिंदी। मेरी मम्मी की जो बिंदी इतनी थी, छोटी मतलब वो ही था मेरे पास, लेकिन उसकी जो इतनी थी तो मैंने इसको मापदंडी से नापी। ठीक है, जो मेरी मम्मी की जो बिंदी थी वो इतनी थी। ठीक है, जो मैंने मापी तो वो 1 से भी छोटी थी। तो मैं कहूँ 1 छोटे हिस्से से कम, क्योंकि मेरे तो कम थी। अगर आपके घर में और आपके घर में बटन भी हो सकता छोटा, आपके घर में बड़ी बिंदी भी हो सकती है, लेकिन जो मेरे घर में अवेलेबल थी वो क्या थी, मेरी मम्मी जो बिंदी लगाती वो थी, लेकिन जो उसकी जो लंबाई थी, ठीक है, उसकी था वो 1 छोटे हिस्से से भी कम थी। ठीक है, तो बच्चों ये आपको अपने हिसाब से करनी है। और हम ये पढ़ते हैं कि बच्चों को घर में एक ऐसी चीज़ ढूंढने को कहिए जिनकी लंबाई नापदंड के एकदम बराबर हो। ऐसी चीज़ ढूंढने में आपकी उनकी आप क्या है इस तरीके से जैसे आपने मापदंडी बनाई है ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कौन सी चीज़ जो है आपके इस हिसाब से हो सकता है। आपकी पेंसिल ली हो, क्योंकि ये तो छोटी पेंसिल है, पेंसिल ली हो। ठीक है, तो आपका मोबाइल हो, तो छोटे वाले मोबाइल आते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की मैथमेटिक्स की थर्ड क्लास की बेटा वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो, तो बच्चे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, और साथ में बेटा वर्कशीट देखिएगा, प्लेलिस्ट में हम सारी डाल देते हैं, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट जाइएगा और देखिएगा।
ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चे, कोविड 19 से बच के रहिएगा। बाय बच्चों।